जिनके घर में एक दो लोग व्रत नहीं रहते होंगे, ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में उल्टा सीधा खाने वाले लोग बंद न कर दिए हों। हम लोग 7-9 दिन बढ़िया रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कितना हो बुढ़ा परिवार हो, उस परिवार में उल्टा सीधा तो कोई नहीं खाएगा महाराज। और आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप जितनी दिन कथा हो रही है, मेरा पहला दिन ही निवेदन है, नशा पानी पीने खाने वाले लोग भी थोड़ा 5-7-10 दिन, जो मौसम है ना, इतना दिन तो अपने शरीर को वर्जित रखो आप। हम लोगों को वहां जाने के बाद बड़ा जवाब देना पड़ेगा ना, यहां से मरने के बाद तुरंत जवाब देना होगा, और मरने का तरीका भी बताए हैं ना। अभी वीरेंद्र बाबा के मुंह पर माइक्रोफोन लगा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी कथा हो पाएगी कि नहीं, ना हो सकता है कि अभी मेरा आवाज बंद हो जाए। हम चाहे जितना रुपया खजाना कमा लें, जितना धन कमा लें, जितनी संपत्ति कमा लें, ये कुछ भी अपने साथ में जाने वाला नहीं है। जाएगा क्या, जो आप करने जा रहे हुए ही जाएगा। कहीं नहीं लिखा गया है कि बेटा नाम सत्य है, रुपया नाम सत्य है, खजाना नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, खेती बारी सत्य है, गहना बिखो सत्य है, कहीं ना ही लिखल बा सास पतो सत्य है, नहीं, ये बताया गया है कि राम नाम सत्य। एक चीज को बताया गया है, राम नाम। भगवान शंकर जी कहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। आइए पहले अपने वाणी को पवित्र करें हम लोग जय शब्द से। कस के जय बोलिएगा, ये मालूम हो जाए कथा के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं, ये कथा परसिया भंडारी में चल रहा है, देवरिया जिला है, सोनू घाट के बगल में कथा हो रही है, और ये कथा है आपके परिवार में। ये वीरेंद्र बाबा का तो परिचय आप लोग से बताना नहीं है, ये हमारी कथा आपके घर घर में, गांव गांव में, जिनके पास मोबाइल है ये प्रवचन तुरंत जा रहा है। आइए थोड़ा कस के जय बोलिएगा आप लोग, ये मालूम हो जाए कि कथा की कार्यक्रम प्रारंभ हो चुकी है। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई जय में कटौती ना हो, पहले कस के जय बोलल जाओ। चरित्रवान न बने तो ये कथा करने कराने से कोई मतलब नहीं है। पहले वीरेंद्र का नाम जहां आप पाएंगे ना, तो पहले संस्कार। संस्कार, गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से। अगर चरित्र बढ़िया है तो आप कथा में बैठ करके अपनी प्रेम से भगवान की कथा, निवेदन हम करेंगे कि सुनने का प्रयास करो। जय लक्ष्मी का नाम है, जिकरा घर में लक्ष्मी के कृपा हो गल बा, उकरा घर में दरिद्र के कृपा ना होई। जिकरी घरे लक्ष्मी आ गल बड़ी ना, वहां दरिद्र नहीं आएगा। आ जिनके घर में दरिद्र बसा है, उनके घर में लक्ष्मी जल्दी जाएंगी नहीं। जय लक्ष्मी का नाम है, थोड़ा कस के बोले कि लक्ष्मी की कृपा आपके भी परिवार में हो जाए। यहाँ सब लोग राजे थोड़े हैं, सब लोग गरीब हैं, दुखिया हैं, गरीब हैं, अनेकों प्रकार का दर्द बीमारी लेकर बैठे हैं, तो थोड़ा कस के जय बोले, ये मालूम हो जाए कि भोजपुरी कथा सम्राट पंडित वीरेंद्र तिवारी जी महाराज की माध्यम से कथा परसिया भंडारी में चल रही है। आज प्रथम दिन की कथा होने के लिए जा रही है। कस के बोले आप, प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की। गैला के बाद नरक बना, यही स्वर्ग नरक है। ए, इन बच्चों को थोड़ा डांटिएगा, ये बच्चे जो आगे बैठे हैं। अब बच्चा कोई बोलेगा नहीं, हमको 3 घंटा बोलने दो भाई, 3 घंटा बोलने दो। यहां जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। इराउर बेटा जौन पैदा कैले बनी, असली है कि नकली? वीरेंद्र बाबा बोलता है नकली। जौनी मर्द से ब्याह राउर भैल बा, असली है कि नकली? नकली। जौनी औरत से राउर शादी भैल बा, असली है कि नकली? नकली। जौन मामा मामी चाचा काकी काका इबाड़े अम्मा पापा, ये लोग असली है कि नकली? सारा समाज नकली है। हाई खेत जो धान रोपाइल बा, असली है कि नकली? नकली है। ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है, असली है कि नकली? नकली।
ये जो मकान बनवाए हो दो मंजिला तीन मंजिला, ये असली है कि नकली? नकली। अब ध्यान से आखिरी बात सुनो, ये जितने चीजों का नाम मैंने लिया, आपके साथ कोई जाएगा कुछ? बेटा हो, औरत हो, भाई हो, चाचा हो, चाची हो, ये घर हो, पेड़ हो, खेत हो, चाहे जितना भी व्यवस्था बना लो, कोई साथ जाएगा? जाने वाला है। और एक बात ईमानदारी से बोलना, भगवान असली है कि नकली? नहीं बोलोगे? अरे भगवानों को नकली कह ना दो, परमात्मा भी नकली है जी, है? कभी छोड़ेंगे आपको? तो जो नहीं छोड़ता है उनकी बात आप सुनने जा रहे हो ना, है? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधे जन। यहाँ जितने लोग हम लोग आए हैं, जाना है, लेकिन ऐसा कर्म करके जाओ कि जाने के बाद फिर मनुष्य का जीवन मिले। मानस में कहीं ऐसी चौपाई नहीं लिखी गई है कि बड़े भाग गधा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा, चाहे बड़े भाग कुत्ता तन पावा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्य से मिला है। आइए हम सभी लोग बड़ा प्रेम से, नवरात्र का पर्व चल रहा है, आज दूसरा दिन नवरात्र है। नवरात्रि में माता जी का दरबार है और माता जी की कथा देखिए, रामचरितमानस में पहले माता जी की ही कथा है। ये मानस की पोथी जो है ना, पहले माता जी की ही कथा है। किस घर में बरकत होगा और किस घर में नुकसान होगा, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। पंडाल में बैठना जरूरी नहीं है, कथा में तो हमारे महाराज बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं, लेकिन सुधरने के लिए आओ कि हमारे शरीर की बुराई समाप्त हो जाए। पूजा केकरा घर नहीं होता, लेकिन तबो देखा था नहीं बीमारी चढ़ल आवाता, नंबर दूसरे लागत आया ही, दादा कैसे बचल जाई, के तर रह जाई। कारण क्या है कि असली काम आप नहीं करते हो। नहीं, असली काम अगर हो जाए तब तो सुधरने का तरीका वीरेंद्र बाबा तो सब बता देंगे। आज पहले दिन की कथा होने जा रही है और बड़ा प्रेम से कथा को समझने का प्रयास करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए माता जी की दो लाइन की भजन, दुर्गा माई के, देवी माई के रौरा, यहां तो बगल में यही माई का स्थान, भाई कौन जगह बा? अहिलवार बा ने, तकाहे अहिलवार को हतन, हम हाथ देखौली है कि माई का स्थान कौन बा? लाहियो पर माई का स्थान हल्का थोड़ो न है, अहिलवार तो स्थान दिव्य स्थान है माता जी के दरबार में। कथा वीरेंद्र बाबा ऐसा नहीं कि आपके, हमारा भी पहले देवरिया जिला था, अब तो कुशीनगर हो गया है, तो रहने वाले तो आपके ही जिला के हम है और आपके घर के हम, कोई कथा विद्वान बहुत बड़का कोई व्यास नहीं है, हल्का फुल्का कुछ बोल लेते हैं जो मेरे शब्द को आप लोग बड़ा प्रेम से सुनते हैं। एक जगह कथा कहे गई आ नौवा दिन आवे लग देने, पंडित जी कहले बाबा गड़िया रोक, तो गाड़ी हमार खड़ा हो गई, कहले नौ दिन कथा कहली हम, हम जान ही नहीं पौनी कि राम राक्षस रहे कि रावण। हम कहनी हे बलगवा काना बुझल आ, तो वीरेंद्र बाबा राम राक्षस रहे कि रावण? हम कहनी हे बाबू न राम राक्षस रहे न रावण, राक्षस रहनी हम कि तोहरी ऐसा राक्षस की यहाँ नौ दिन कथा कहली। परसिया भंडारी के लोग के हमारे प्रणाम बा, पहले अपने दिमाग को आप एकदम ऐसा करके कथा को श्रवण करो। आप माई के दिन दू गो बड़ा जगता मनावल जाला, कौन दिन है? दू दिन, कौन दिन? आज कौन दिन है? शुक्रवार। एगो दिन औरी बा जोना के नाम सोमार है, हैं? माई के दिन मनावल जाला ना। अब बड़ा टाइम पर ये कथा लगा है और बड़ा विधिवत प्रवचन को शुरू होने जा रहा है, दो लाइन की पहले भजन हो जाए। हाँ, अरे माई हो लाल, बोलो दुर्गा महारानी की जय। अरे मैया लाल चुनर बीचे निखरेलू चेहरा चमकेला सुकावा सोमार, ए माई हो लाला।
महान हो। दुर्गम के माई माई दुर्गा का बालू महिमा बतो हरो महान हो। बोल दी महिषासुर मर्दनी की जय। दुर्गम के मारी माई दुर्गा कहबलू महिमा बा तोहरो महान। मैया सुकवा माई हो सुकवा सोमार दिनवा हो खेला पूजनवा मैया बा लीला परम पार। हे माई हो लाला के धान देलू कोढ़ियन के काया महिमा बतोहरो अपरम पार। निर्धन के धान देलू कोढ़ियन के काया महिमा बतोहरो अपरम पार। बोल दी दुर्गा महारानी की निर्धन के धान देलू कोढ़ियन के काया महिमा बा तोहरो अपरम पार। हे माई हे बाझिनी माई बझिनी आके पूत देलू हे दुर्गा मैया अरे लीला बा तोहरो अपरम पार। हे माई होला के आखिरी लाइन ये गीत के बा तोहरा बतावला से लिखी गाई गीतिया महिमा बा तोहरो महान। तोहरा बतावला से लिखी गाई गीतिया महिमा बा तोहरो महान। बोल दी दुर्गा महारानी की बतावला से लिखी गाई गीतिया महिमा बा तोहरो महान। है मई हो व्यास
माई हो ब्यास वीरेंद्र जी के खेवत रहिया नैया कबहु न डूबे मजधार। पहले तो लाख लाख आशीर्वाद इस कमेटी के लोगों को, लाख लाख आशीर्वाद ये परसिया भंडारी के जो कमेटी के मेंबर हैं, आज तो नाम मेरे पास नहीं आया है, ये लाख लाख आशीर्वाद इन मेंबरों को। हर जगह दुर्गा पूजा में लोग जागरण करा लेते हैं, ऑर्केस्ट्रा करा लेते हैं, ड्रामा नाच मंगा लेते हैं, और कितना बढ़िया सोच इस ग्राम सभा का है कि आप लोग भगवान की कथा करा रहे हो। ताली बजाओ ना बरिया रे, भगवान की कथा करा रहे हो। और भगवान की कथा क्या है तो तुलसी बाबा ने लिखा क्या कि कलिमल हरन मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा है, और भगवान की कथा हमको कैसे सुनना चाहिए, किस तरह से जीवन में उतारना चाहिए, हमारी और आपकी कथा नहीं है। वीरेंद्र बाबा आपके परिवार के बालक हैं, और अपने ही परिवार में ये हमारी छोटी जो बेटी बैठी है, नौजवान लड़की जो है मेरी बहन है, और माँ तो मेरी माँ है, मेरे परिवार के सारे लोग हैं। मैं कोई कथा वाचक के हैसियत से नहीं, अपना समझ करके आपको बता रहा हूँ आपको कैसे चलना है, क्या करना है। माता जी को पकड़ने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। अच्छा, दुर्गा जी जानी ले केकर मेहरारू है। दुर्गा जी शंकर भगवान का नाम जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। भोलेनाथ का नाम बोलो, शंकर भगवान की जय। शंकर जी की औरत का नाम थोड़ा गौर करिएगा मेरे तरफ दिमाग। शंकर जी की औरत का नाम सती, जो कथा शुरू होने जा रही है। शंकर जी की औरत का नाम सती, शंकर की औरत का नाम पार्वती, शंकर की औरत का नाम गौरी, शंकर की औरत का नाम गिरिजा, शंकर की औरत का नाम दुर्गा, शंकर की औरत का नाम अंबिका, जितना नाम है ये हमारे भोलेनाथ की अर्धांगिनी है लोग महाराज। और माता जी की कथा आप लोग सुनने जा रहे हो, हम कथा यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में जब नहान लगता है ना, तो सारे संत हम लोग जाते हैं स्नान करने प्रयागराज। तो प्रयागराज में याज्ञवल्क जी महाराज गए थे स्नान करने, और स्नान करने गए तो वहां कौलबास लिए, और कौलबास लेने के बाद, कौलबास एक महीने का होता है, कौलबास लेने के बाद श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। आज भी वर्तमान में आश्रम भरद्वाज जी का है। तो आश्रम पर जाकर के जब पहुंचे तो भरद्वाज जी महाराज इनका चरण धोए और आसन पर बैठाए, और आसन पर बैठाने के बाद इन्होंने आज याज्ञवल्क जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार आज मेरा एक प्रश्न है, इसे बताने का प्रयास करें। कहने तो मैं जा रहा हूं, भरद्वाज जी ने कहा, मैं कहने तो जा रहा हूं लेकिन मुझे लज्जा लग रही है, शर्म लग रही है कि हमारे बात को आप गलत या अन्यथा न लें। उन्होंने कहा, बोलिए क्या कहना है। ये पहली चौपाई मैं मानस का उठा रहा हूं, और एक बात गौर करेंगे यहां जितने भी विद्वान हैं, रामचरितमानस की पोथी जब आप खोलेंगे तो तुलसी बाबा ने पहला श्लोक लिखा है, बड़ा नाम और संघा नाम रसा नाम छंद सांपी मंगला नाम चौकर तारो बंदी बाणी विनायको। ये मानस का पहला श्लोक है, और कथा की पहली चौपाई मैं दे रहा हूं, पहली चौपाई। और बड़ा गौर से कथा को सुनिएगा। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क जी से प्रश्न कर रहे हैं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, राम कवन मैं पूछूं तो ही
ताली बजाते रहिए सभी लोग भाव से। राम कवन मैं पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कर चरित विदित संसारा। सो कथा नाथ बीस तारी बोल दी अयोध्या धाम की। कहां गई ले ऑपरेटर? तबला का आवाज थोड़ा कम करो। बीस बोलो शंकर भगवान की जय। आवाज और दे दे जरा सा। सीताराम सीताराम बड़ी प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे। अब श्री भरद्वाज जी महाराज प्रश्न कैली कि राम कवन मैं पूछू तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा आ तिनकर चरित विदित सन सारा। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। अगर व्यक्ति को भ्रम हो जाए राति के रउरा चलता नहीं रसरी गोड़े से लाग जा तो रउआ के रसरी बुझब कि सांप ना बोलो काजी ना बोले ओके सांप कहल जाएगी रसरी तुरंत कह दादा सांप तक काट सांप तक आ दादा सांप तक काट ही ले हल तो कोनो लड़का आई तो कहे बाबू देखे हे जो सांप रह गोड़वे में लपेट ले हल। अब ओके बैटरी बार के जब देखी रसरी तो विश्वास समाप्त हो जाएगी ना। हो जो जोन भ्रम रह हट गल ना। भ्रम कब हटेला जब विधिवत रहुआ कथा के सुन ले आई जान जाए कि दिन हो कि रात। तो वीरेंद्र बाबा तो भ्रम हटाइए देंगे। आप जितनी भी कथा सुने हैं वो सब कथा हमारी नहीं है। भ्रम हटाने की बात मैं बोल रहा हूं और बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करो। आप कहने की सरकार ये बताई कि राम है कौन। दशरथ के पुत्र राम है कि रातों दिन शंकर भगवान राम राम रटते हैं वो राम है कि घट घट में जो रमते हैं वो राम है। राम कौन है बताने का प्रयास करें। याग्निक जी महाराज एक बार राम के नाम लेबे ना कहले। हमसे आप पूछें कि आपका नाम क्या है। आप हमसे पूछें कि आपका नाम क्या है बाबा तो हम कह रहे आ रहे हैं गोरखपुर से। तो ये आंसर गलत है कि सही है। गलत है। आप मेरा नाम पूछ रहे हो ना नाम बताना चाहिए। ये कहले कि राम कौन मैं पूछू तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित सन संसारा। ये बताने का प्रयास करें आप। एक बार इन्होंने नाम नहीं लिया। कौन कथा शुरू कर दिले एक बार त्रेता युग माही। वीरेंद्र बाबा जो बोलने जा रहे हैं कब की कथा है त्रेता की कथा है। त्रेता की कथा है और बड़ा गौर से समझना। आज भी वो कथा होती है तो नया महसूस होता है कि पुराना। नया महसूस होता है। इतनी पुरानी कथा त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। ये कलयुग चल रहा है लेकिन आज भी भगवान की कथा नई मालूम होती है।
बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा पर ध्यान देना, भगवान शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके जाता नहीं। शंकर जी की मेहरारू का नाम के बोली कि ना, अरे भाई के बोली, शंकर जी के मेहरारू के नाम का हो? कथा सुने दे जाता हूं, मेहरारू का नाम बताब। पार्वती, पार्वती नाम हो। अच्छा तो कथा सुने पार्वती गईली, शंकर जी के पहली मेहरारू का नाम बताब। माई के नवरातन चलता और नवरातने पर पर्व हमार कथा के बा। शंकर जी की पहली औरत का क्या नाम है? नहीं चुप रहोगी? प्रथम जन्म दक्ष ग्रह जाई आ नाम सती सुंदर तनु पाई। शंकर जी की पहली औरत के नाम है सती। का नाम है? अबे हम बतौली है ना, पहली मेहरारू के नाम सती है। शंकर जी पार्वती की कथा सुनावे ना ले गई है, पहले वे जन्मवा सती अपन बर्बाद कर दिली। यह कथा गौर से सुनिएगा, यही कथा आपको बर्बाद करेगी और यही कथा आपको आबाद करेगी महाराज। अगर भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करोगे तो जीवन समर जाएगा, और भगवान की कथा खिलौना समझ जाओगे तो जीवन बिगड़ जाएगा महाराज। ताली थोड़ा बजाया करो जब अच्छी बात आ जाए तो। ये कथा बिगाड़ने के लिए नहीं हो रही है, हम लोग सुधर जाएं, समाज सुधर जाए, बेटा लायक हो जा, पतो ही लायक हो जा, माई बाप लायक रहे, भाई भाई में पटरी हो जा। वीरेंद्र बाबा का तो यही कथा है महाराज। बजा लो ताली ने तनी एक मिनट। तो लो बिना कहले ना बजे बहो, नगदे मेहनत परी का कथो। एगो लड़की अपना ससुरा गई आ पांचे दिन बीतल तबले हिमगंगे तेल एगो बोतल खोल लो कपार पर धरे वाला। आ जब तेल खोल तो एगो छोट देवर रहे, देवरा कल से भौजी छछुन्नर मोल बा का बसाता। भौजैया कल पगलाइल बड़ा हिमगंगे तेल तोरा छछुन्नर मोल बा। देवरा कल भौजी हम के देबू आ जे हथवा पसरल से देवरा आ भौजैया ढरल जे ढरल तब लब दे देवरा चाट ले चटला बरसी आठ नौ चटकना चटा चट मरती तबा। कल काहे चटले रे काहे चटले हिमगंगे तेल चटबे। आ जब पिटाइल तो रोवते गोई तो जिनसे बियाहवा भैले कहे काहे रोवत अड़ आ तो भौजी इतना तेल दिलिये कोई तमे तो चमार दिली कहने चलबे बदमाश बे का भी पांचे दिन गौना भैले भइल आ तोले देवरे के मारे लागल बहिया पकड़ ले गई ले कहले काहे मरलू है लोला बोला देवर आ तू मरबू दुल्हनिया कल से हमार गलती नहीं बा तेल खोल लिया हिमगंगे तो कहता छछुनर मुअल बा हाथे पर देनी चटल से चाटी तो पिटाई ना तो जौने से बियाहवा भले कहले काहे चटले हो इतना तेल लकाए ना रोटी पर पुत के खा घर ले रे बकलोला बा। दुल्हनिया कल सोसे दोगला तई बा दस गारी नहुग दीहल कल बाप दादे तेल देखल बड़ सुरे हिमगंगे तेल रोटी पर पुताई। अब इो रोवाता छोटको रोवाता तले तो बूढ़िया आई कलश काहे हो नया गवना भले बा काहे रोवा तड़ा जा। बड़का कलश माई बिया ठगा गई बाबू का मारत या धाय धाय हम का गरियावत या। बुढ़िया कलश का भइल आ त चल के पूछ न। बुढ़िया गल कलश से दुल्हन तर नैहर के इहे संस्कार ह इ लोलहा बोला देवर बा मरलू आए के गरियौलू ह। दुल्हनिया कलश हमार गलती नहीं बा तेल खोलनी त इ चटला से त मरली ह आई कहता कहने रोटी बरपुत के खा करे ये कुल सभ्यता है ये सिखले बा। बुढ़िया कले दू के दोनों दोगला बाड़े सो कहे के उल्टा पुल्टा बोले बताओ इतना तेल ल दाल छौकाई ले तो घर भरना ही खाइत रे बा। वो घर में बुद्धि बा। अच्छा तो जेकर घर है तारे हो जेकर घर पीटा पीटी होत हो कि ना रोज होत हो परसिया भंडारी में नहीं होत हो हम अपनी ओर के बोलता नहीं पढ़ल लिखल लोग में होता इत गंवारे के बात कह ली। जो शिक्षित लोग हैं उनके घर में डेली मैं देख रहा हूं उपद्रव है महाराज। सासू के देखत पतो ही ना पतो ही के देखत सास ना बेटा के देखला पर बाप ना बापे के देखला पर बेटा ना कुछ है परिवार में कुछ नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी अपनी अर्धांगिनी के कथा सुनावे लेके जाता नहीं।
कथा शुरू हो गई, बा गौर से सुनिएगा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ जरिषि पाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। संघ सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। कथा बड़ा प्रेम से सुना, अब तैयारी में कथा शुरू हो गई बा। एक बार त्रेता युग माही, एक प्रश्न मेरा है, रामायण का रचना किसने किया है, कोई बता सकते हैं कि नहीं? रामायण का रचना किसने किया है? नहीं बोलेंगे? रामायण का रचना किसने किया है, कोई बोलेंगे? तुलसीदास वाला आंसर गलत है, वाल्मीकि वाला भी आंसर गलत है ना जी। रामायण ये सब क्या बात, अब हे तर सुन ली, तुलसी रामायण लिखे वाला व्यक्ति के नाम है। तुलसी बाबा रामायण लिखली कब, जब भगवान राम के जन्म हो गए तब। वाल्मीकि रामायण कब लिखली, जब राम के जन्म ना भइले ओकरा पहले। ध्यान से सुनिएगा, वाल्मीकि जी रामायण कब लिखे हैं, तो भगवान के जन्म के पहले, और तुलसी रामायण कब लिखे हैं, राम के जन्म के बाद। तुलसी हर भाषाओं को लेकर लिखे हैं, लेकिन वाल्मीकि जी हमारे संस्कृत में रामायण को लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण। मैं रचयिता पूछ रहा हूं कि रामायण को रचने वाला कौन है? अच्छा तो केकर कथा शुरू भइल बा, शंकर भगवान के कहां राम जी के कथा शुरू हो गई? अरे भाई शंकर भगवान ने कथा सुनावे जाता है, लेके के अपनी अर्धांगिनी के। शंकर भगवान रामायण के रचयिता हैं, गौर से सुनेंगे आप। रच महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस का रचना हमारे भोलेनाथ करते हैं महाराज, भोलेनाथ ने किया है। रामायण को रचयिता शंकर जी हैं हमारे। रौरा गांव पर कबो शिव चर्चा हो लग ना, ना होला कबो ना, कबो ना होला, कैसन गांव बाजी शिव चर्चा ना होला। पहला दिन बा, तनी बतावे के परी, बहुत कुल बतावे के परी। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा ये जगह पर शुरू भइल बा, ध्यान दे। शंकर भगवान पूरे रामायण को रचे हैं, लेकिन कथा सुनने दूसरे के पास जा रहे हैं। बहुत लोग गांव में ऐसा हो जो हारन लगल बा ना, कहिया जो वीरेंद्र बाबा बोलत ना तो हम जनते बानी ना, लोग कही देला मैं जो कथा भइल तो जनते बानी। शंकर जी सारे रामायण को रचे हैं, तभी भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। और आप अपने को विद्वान साबित करोगे तब तो कथा सारी रसातल को चली जाएगी सरकार। कथा सुनने का प्रयास करो। शंकर जी सती से कहली कि चला कथा सुने। सती कहली कहां कथा होता, सजी कथा के खानी आप बानी या कथा सुने कहा? शंकर जी कहली पर्वत पर कथा होता। शंकर जी कहली कथा पर्वत पर होता, कहले हाँ। तो शंकर जी सती के लेके गईली। शंकर जी की औरत का नाम सती है, जो ने नवरात्र में बानी माई के नाम सती है।
दुर्गा को बता रहे हैं, आगे चलते जाइए कथा में मिलेगा। और बड़ा बारीकी से कथा को समझने का प्रयास करना। शंकर की पहली औरत का नाम सती, प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। पहला जन्म में सती नाम रहे। शंकर भगवान जब कथा सुनावे लेके चलनी, आ जब लेके गईले कुंभज ऋषि जी के पास, तो सती के लेके शंकर जी बैठली। अच्छा, शंकर जी कुर्सी पर बैठ, शंकर जी अपनी मेहरारू के लेके गईली तो अगवे बैठली। जे रामायण के रचयिता हो, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा महान देवता कौन है? हमारे भोलेनाथ, हमारे राम जी भी शंकर जी को प्रणाम करते हैं। आ शंकर जी कथा सुने गईली तो नीचे बैठने की ऊपर, कुर्सी पर बैठने की धरती पर। कथा कहां बैठ के सुनना चाहिए? जमीन पर की कुर्सी पर? जमीन पर तो नहीं, मान लीजिए थोड़ा मौसम गीला है तो इसलिए कुर्सी लग गई है। कुर्सी पर भी बैठना बुरा नहीं है। किसी के कमर में दर्द हो, किसी के ठेहुन में दर्द हो, पैर में दर्द हो, बैठे मना नहीं करेंगे। लेकिन कुर्सी का व्यवस्था, जो कुर्सी पर लोग बैठते हैं बड़ा जल्दी नींद आ जाती है। और जब जमीन पर बैठ कर कथा श्रवण करोगे ना, इतना टाइम तो जरूर बना लोगे, 3 घंटा में एकदम ताकेंगे और ध्यान से कथा को सुनेंगे। शंकर जी लेके गईली तो आगे में बैठली, अपना सती के आगे बैठली। जैसे मेरे सामने जब कथा हम बोल रहे हैं तो आप लोग आगे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं इतना आनंद पीछे वाले को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कथा में आगे बैठना चाहिए कि पीछे? आगे। पिक्चर हॉल में आगे के टिकट लेना चाहिए कि पीछे? पीछे। और नेता की भाषण में खड़ा होकर भाषण सुनना चाहिए कि बैठकर? खड़ा होकर। कोई ठीक नहीं है कि लाठी चार्ज कब हो जाए। हाँ, लाइन में बता रहा हूं और ध्यान से सुनते जाओ आप। शंकर जी लेके गईली तो सती के लेके आगे में बैठली। आ ज्यों बैठली तो कुंभज ऋषि जी जे कथा कहे जाता, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैले। तुलसी बाबा लिखली, संघ सती जग जननी, संसार की माता है वो जो बैठ रही है जमीन पर। संघ सती जग जननी भवानी, अब पूज ही मुनि अखिलेश्वर जानी। हथवा जोर के कुंभज ऋषि जी तुरंत प्रणाम कैले, कहले काय जन के प्रणाम करी? दोनों जन के प्रणाम कैले। जे प्रणाम कैले सती कथा सुनत रही है पड़े, अब बैठ गई है पड़े। यह कथा रौरा के बर्बाद करी, यह कथा आपकी आबाद करी। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो भगवान से छिपा है कोई बात? इस गांव में कौन गलत आदमी है भगवान जानते नहीं है, कौन सही आदमी उनको नहीं जानते हैं, कौन गांव में लगाने बजाना वाले उनको जानते नहीं हो, गांव में फौजदारी कराने वाला कौन है, गंदे लोग कौन है, परमात्मा तो जानते हैं। हमसे आप छिपा लोगे लेकिन भगवान के दरबार में छिप नहीं पाओगे। बोलो सच्चे दरबार की। शंकर जी जब लेके बैठली तो हथवा जोर के प्रणाम कैले, आ जे प्रणाम कैले तो सती कथा सुनल बंद। शंकर जी कहले लईब कोली, लेकिन जीवन तो हर बर्बाद, कथा में मत आओ ठीक है, लेकिन आने के बाद अगर सुनना है तो भगवान की कथा सुनो प्रेम से। शंकर भगवान अकेले कथा सुनत नहीं कि राम कथा मुनि बर जय बखानी। राम कथा मुनिबर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिबर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान प्रेम से कथा सुनतनी, आ माता सती कथा सुनली ना। कथा मुनि बर्ज बखानी, आ सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर जी अकेले कथा सुनली लेकिन माता सती कथा सुनली ना। आ ना कथा सुनली तो भइल का? शंकर जी कहली अब चल चल, कथा हो गई, सती कली हो गई,
शंकर जी कहले हो नहीं गए पूरा हो गए पूरा। ये जन साधु बाबा जाड़ा के महीना रहे लिंगोटी पहर के सुतल रहे, एगो लिंगोटी पहर के सुतल रहे तरह कांपत रहे। तब ले एगो राजा घोड़ा पर सवार होके रेशमी चद्दर ओढ़ के अल, आ जब देखले साधु बाबा के कांपल तो अपन चद्दर उठा के साधु के ओढ़ा दिले। आ जब साधु के ओढ़ोले तो साधु कहले जियत रहे राजा यही तरह करत रह। आशीर्वाद दिलंग ना, जब चद्दर ओढ़ोले तो साधु बाबा के आशीर्वाद हो कि जियत रह राजा यही तरह करत रह। चद्दर ओढ़ा के चल गए, चार गो चोर अल कहले रे सधुया सधुया कहे कितना बढ़िया चद्दर ओढ़ले। अब चोरवा लेके चद्दर भागे लगल, अब भागे लगल साधु बाबा कहले दू बात नहीं बोलब एक के गो बोल साधु न है। तो राजो के कहले जियत रह राजा यही तरह करत रह। आ चोरवा लेके गए सो तेहू गुरु के कहले जियत रहे ए बाबू यही तरह करत रह लोग। तो के निमन हो गल के बाबू नहीं बोलो चोरवन के निमन भर की बाबू भगल सो लेके नाग दियल सोझे बाबू। बुरा भला समझने का प्रयास करो आप, बुरा भला जान जाओ। और यहाँ ऐसा थोड़न बा कथा ना भइल बा, तो जौन कथा भइल बा ऊ कथा हमरे मान के ना बा, हम ऊ सुनाई जौन हेमे अंदर प्रवेश कर जा कि वीरेंद्र बाबा तू है ये बोलल बड़ हमरा करे के बाई है। और ते इतनी पर घर घर में दूसरा लीला शुरू बा, उल्लै लगा ले बाबू। आरी घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा बटवारा के बीमारी आ घरे संग है बाटल जाले बाबू हो। अरे घरे संग है बाटल जाले बाप महतारी, घरे संग है बाटल जाले बटवारा के बीमारी आ घरे संग है बाटल जाले। पूरा उत्तर प्रदेश बिहार में इकार चलता, घर बटाता खेत बटाता रुपया बटा गईल कोला कोलवाई बटा गईल बटुला बटुली बटा गईल। पहला प्रश्न उठता कि माई के करे में रोज परसिया भंडारी में लीला बागिना। अब बाबूजी के करे में रही है, तब बड़की पतोही से पूछा था कहो तू अपने बुढ़वा बुढ़िया के मिलेबू। तब बड़की कहती है दादा बुढ़िया से हमसे नहीं पटेला, बुढ़ऊ भरी हमारे में रह। बुढ़ऊ गईला बड़की पतोह में, मझली से पूछा था तू बुढ़ऊ के अपने में मिलेबू तो हमारे में ना रही है हमसे पटेला ना। छोटकी पतोही कहती है बूढ़ा हमारे में आवे लेकिन प्रधान जी लिखा पढ़ी कह दे आज उसे बुढ़ऊ जबले जी है तबले तो बूढ़ा से बुढ़ऊ बोली है नौ। घर बटाता कि मुआवल जाता है, घर बटाता हो। माई शब्द बड़ा महंगा बा, नवरात्र में माई के पूजा होला, माई के दाह संस्कार संस्कार संसार में केहू पूरा ई माई ऐसा केहू हो ई। आ माई के कथा सुना तो निरुवा ध्यान से सुना, बड़ी योजन की बात है कथा में। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी कथा सुन ले हली, सती से कहली कि चलो कहली हो गई, कहले हाँ हो गई। तुलसी बाबा लिखल है अरे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी अचले संघ ले तक्ष कुमारी मुनि सन विदा
चले संग ले सन विदा मांग त्रिपुरारी आ चले संघ ले दक्ष सती के लेके भगवान शंकर जी चलल बानी अब लेकिन रास्ता में सोचा तनी कि अखंड नायक परमात्मा के अवतार भगवान के जन्म अयोध्या में हो गेल बा आई तनी आगे कथा में सुन। अच्छा शंकर जी जब लेके चलनी तक खुश बानी की कष्ट में बानी खुश बानी अपनी मर्दे के साथे रहुआ सोनू घाट चौराहा पर जाई सजी सामान किना जा कपड़ा किना जा चप्पल किना जा गहना किना जा ए सब सिंगार के सामान किना जा अब मालिक इतने न कहे कि तने चलो बर्फी खा के गिलास पानी पी लो तो रहुआ मर्दे पर खुश हो कब कि नाराज वो जो सब भन भनाते पैदल आई अब तारा साथे कबो सोनू घाट देवरिया जाए बिना सजी का कोयले जब एक गिलास पानी बर्फी ना खियोले चाउमीन आ बर्गर ना खियोले मले छवा ना कुरकुर नहीं खी जाने हम जान लाओ जानता नहीं हुए बोलो गुपचुप जौन खते नहीं खी तो के का जान सब करने के बाद व्यक्ति बर्बाद हो जाके कि नहीं। शंकर जी बड़ी प्रेम से लेके गईली अब बड़ा प्रेम से बैठौले की कथा सुन सजी कैला के बादो कथा सुनली ना है इतना बड़ा पंडाल लगल बा घर घर में अलाउंस भइल बा कि वीरेंद्र बाबा आ रहे हैं सब लोग जान रहे हैं सबका घर में भाव बा कि बाबा की कथा बा आ गाँव में कथा होता घर ही के लोग ना आवे तो के फायदा करे कि नुकसान तुरंत रिएक्शन करेगा। भगवान से कभी दुश्मनी मत करो अभे तर सुन लो पटीदार ऋषि आई तो कुछ ना बिगड़ी पटीदार ऋषि आ जानो तो कुछ ना बिगड़ी रिश्तेदार ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी प्रधान सभासद ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी विधायक ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी टोला मोहल्ला ऋषि आ जा तो कुछ ना बिगड़ी लेकिन भगवान नाराज हो जाए तो नहीं बोलोगे। अच्छा तो कुछ बिगड़ी कि सब गई तो के मनाओ चाहिए कि नाराज मत हो कि दुनिया के फेर में मत पड़ो परमात्मा से निवेदन करोगी भगवान अब कभी आप कभी नाराज मत होइएगा हमारे बारी फुलवारी पर नजर रुआ दे ले रहे अगर भगवान का नजर रहेगा ना तो बेटा अच्छा होगा परिवार अच्छा होगा माँ अच्छी रहेगी बहू अच्छी रहेगी परिवार के सारे लोग अच्छा रहेंगे। महाराज वर्तमान में सबसे बड़ा कष्ट जानदानी कहाँ बा ये गाँव के जितना पुरनिया माई बैठल बड़ी सो वो कुल से पूछब कि तोर आत्मा खुश बा तो और मैं बोल रहा हूं किसी की हिम्मत नहीं कोई कह दे कि बाबा हम बड़ा गदगद बानी कारण का ए कारण का तो जोने बेटा खातिर का कोइल गए उ बेटा अपना माई के कदर ना करता जोने पतोही के बुलावे खातिर कितना महत्व कौन सा सुनाई अगर आती कि हमरो पतोही अब आई अला के बाद उ लीला शुरू होता बाप हो बाप निमन होता कि बाबू हमारी कथा नहीं है पहले संस्कार आई नहीं कि एक के कपारे बा आई शंकर जी के परिवार के कथा हो तारुराय में समझत जाए। शंकर जी लेके चलनी आकाश मार्ग से चलल बने भगवान वही टाइम में भगवान राम का अवतार हो चुका है आ सीता के रावण चुरा के लेके गई बा पेड़ पौधा से राम जी पूछत रहे जन जन के लोग से पूछत रहे आ जब शंकर जी ओ सामने आईली तो जब देखले राम जी के रोवल तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैले शंकर जी के इष्ट देव कौन है राम जी आ राम जी के इष्ट देव शंकर भगवान शंकर जी राम जी को प्रणाम करते हैं और राम जी हमारे भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं ये दोनों एक एक पूरक है महाराज। राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं और शंकर भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं आ ज्यो प्रणाम के लिए तो सती कहली अब लीला लीला कौन शुरू हो गई अब एजू के गोड़ लागत नहीं कौन देवता एजू उपट गई
शंकर भगवान कहें आज तोहरो बुझाता बाउरे लिखल बा। अच्छा तो नीमन लिखल बा कि बाउर जगह जगह सुबहा होख है तो मेहरारू के बाउर लिखल बा कि नीमन हेमत के सुबहा करत नहीं होई सासू पर सुबहा अलगे मर्दे पर सुबहा अलगे देवरे पर सुबहा अलगे पटिदारे पर सुबहा अलगे दिन भर सुबहा लेकर मर किसी पर सुबहा मत करो। मैं सुबहा की बीमारी की बात बोल रहा हूं। सती के सुबहा भइल कि एजू कौन देवता आ गए शंकर जी कहले जेकर कथा सुने गए ललु इहे के हई सती कली है लड़का रोवता है भगवान हम शंकर जी कहले ब्रह्म है सचितानंद परमात्मा है सीता के रावण लेके चल गए यहाँ के रोवतनी सती कहली जे भगवान है ओकरा मालूम नहीं बा ओकर मेहरारू कहाँ गई है भगवान हो ब्रह्म है। शंकर जी कहले ऐसा शब्द मत बोला हाथ जोड़ के प्रणाम कर सती कहली हम इनके गोड़ लागब इनके है 12 वर्ष का बच्चा कोई रो रहा है ये ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है। शंकर जी कहले नाई विश्वास बात का करबू कहली हम इनका परीक्षा ले। शंकर जी कहले अभी कम में बगड़ल भाई अब तक बगड़ ही जाता है भगवान क्या नहीं जानते हैं। शंकर जी बार बार मना कहले लेकिन कहली जब परीक्षा ले तो शंकर भगवान तुरंत कहले का हो न वही जो राम रची राखा होइहन वही जो राम रुचि राखा ओ करी तर्क बढ़ावही साखा देखिए एक बात सुन लीजिएगा गौर करिएगा जेकर लड़का चाहे मेहरारू या चाहे भाई या चाहे बेटा एक बेर कहीं की बात मान ले अगर ना मान लो तो दू बेर कहीं बात मान जो ना मान लो तीसरा बेर कहीं की बात मान जाओ अगर नहीं मानता है तो ये जरूर बोल देना कि जा होइहन वही जो राम रची राम। अच्छा तो कर नीमन होगी बाउर नहीं बोलोगे तड़ाक दे बिगड़ गए बर्बाद एक चौपाई में। माई बाप के बात नहीं माने वाला बेटा का एक्सीडेंट होता कि ना होता नहीं होता नहीं होता हो कहीं से पिटा के आवता कि ना आवता जौन जौन दशा हो रहा है ना माता पिता का पहले आदर करो। अगर माता पिता को प्रणाम करके बाइक अपनी लेकर जा रहे हो तो रास्ते में कतई बाइक से एक्सीडेंट नहीं होगा मेरा दावा है। माता पिता को प्रणाम करके सम्मान के साथ पैर छू के जा रहे हो तो जहां जाओगे तुम्हारा बरकत होगा। मुंबई जाओ दिल्ली जाओ पंजाब जाओ माता पिता को फोन से अगर दो दिन चार दिन पर बात कर रहे हो माँ अच्छी हो ना मोबाइल में पैसा भराइल बा खाली मेहरारू से बतियाल जाएगी माइयों से मैं नहीं बतियाई सबसे जरूरी माई बागी मेहरारू ना बोले बुझे वाला तो बुझते हैं। ट्रेनिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत कथा वाचक है लेकिन हमारी कथा कथा नहीं है पहले संस्कार। अरे जौने घर में माई के इज्जत ना हो पिता के इज्जत ना हो खो सासू के ससुर के इज्जत ना हो खो ए परिवार में पुरखा पुरनिया के आदर ना हो खो उ घोर बोनी की बिगड़ी नहीं समझ रहे हो तुरंत बिगड़ना है। लाले चाय बनाओ पहले अम्मा जी का थमाओ ढिकले रोटी बनाओ पहले कोई अम्मा जी दो रोटी खा ली साउंड के पास आप लोग कोई है सीताराम जी यहां वार्ता ना हो कोई बोलेंगे नहीं शांति से बैठ जाओ बोलो शंकर भगवान की जय। हमारा बतिया तनी कड़ेर नहीं होता आगे कड़ेर होता अरे जरा ना ही खेपात हो तो कड़े बुझेबे करी दादा ई कौन कथा होता
यह कथा ये युग में सीखल जरूरी बा। सासु तनी अपना ए पतो ही सासु के गोड़ लागे इतनी पर ए पांच पांच बरिस पतो ही से सासु से बोल चाल नाई बा। अब बुढ़िया मरे जाती आंखी पर पर्दा पर गए मझली पतो ही जाती कहते अम्मा जी चिन्ह तानी हमरा मझली पतो है दादा। अब इनके चिन्ह मझली है अब पांच बरिस तक कबे ना कैली एहन होता कि दूसर होता एहू गंगा के बतिया ही है बा हम हो जू का ना ही बोलता नहीं एजू का बोलता नहीं है ट्रेनिंग पहले दो कि का बोलता नहीं हम जियत या माई तबले केहू ना ही कहता माई रे चप्पल पहिर के जाई है माई रे केरा ले बने दूगो खा ले माई रे ले मच्छरदानी लगा दी मौस काटता माई रे ले पिठिया तोर मोल दी माई है नया साल एगो लेलबानी ओढ़ के माई के पूछता उहे माई जब मर जातिया जइया काम पड़ता कजिया पड़ता ए गद्दा दिया था रजाई दिया था जौन माई गुदरा पर जीवन भर सूत गद्दा दिया था रजाई दिया था मच्छरदानी लगाता कोई पर सेजा पर छत्ता धरा था कि तान ले रही है सेजा पर चप्पल धरा था कि उचकाड़ी के चप्पल पहुर कोई पर केरा सेव धरा था कि अब काट काट खो आजीवन भर लतियावल गोली समाज में पहले परिवर्तन करो। माता पिता का सेवा कहीं जाता नहीं है और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं जेकरी घर में माई बाप के सेवा बेटा करा था वो बेटा के कबो कहीं से कटे के ना बा ओकर बरकत कबो होई ओकर मेहरारू अच्छा रही और बेटा लायक अगर बा तब पतोहियो लायक बन जाई बेटा हुआ के जर से गड़बड़ी होता बहुत जरूरी बा। माई का कथा चलता लेकिन आगे चल के सुनी सीता के रावण लेके गेल बा बार बार शंकर जी मना करता नहीं मत जा सती कली नहीं हम इनका परीक्षा ले तो कहली जा होई हन वही जो राम रची जा हाँ तो बात इनाई मान ली आ गईबो कैली तो असली रूप में ना जाता इनाई कि हम सती हैं तो चला हो तारा चला अब गईबो कैली तो नकली अब ना खड़ा कैली रहली सती बन गली सीता। राम जी की औरत के नाम का है सीता और शंकर जी की औरत के नाम सती रहली सती बन गली सीता और नकली सीता बन के राम जी के आगे में कूद चल ताड़ी असली सीता राम जी के आगे चल ली कि पीछे पीछे चलती है लेकिन नकली सीता आगे कूद ताड़ी। लक्ष्मण जी कहले भैया हाउ 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 देख ली राम जी कहले तकावा मत अबे खुदे हमके तकावे आवा ताड़ी आ जब आगे अली तब पहले राम जी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैले दोनों हाथ जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम आ पिता समेत लीन निज राम जी कहली कि भोले भंडारी कहाँ बनी है जंगल में रुआ घूमत सती कहली दादा ये चिन्ह तड़का भगवान को चिन्हाना नहीं है आप हमारे शब्द को समझने का प्रयास करना कहले कि भोले भंडारी कहाँ बनी रुआ केले जंगल में घूमत नी सती कहली अब तेजू भगले के ताक बा आ सती अब भागे लगली तो जौनर भागत रही रामे राम दिखाई देता रहे ओने जाता रही राम ओने जाता रही राम खाली रामे राम सती हकासल पियासल भागल पराई बौरहू के लग गई भोलेनाथ मौन में राम 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 सीता राम जपत रहे सती जब गईली तो शंकर जी तकली भोलेनाथ कहली का भइल
सती कली का भइल रहू गोड़ लगल गोड़ लाग के आवतानी। सही बोली कि झूठ? झूठ। को गलती हो गई? कथा सुने गईली कथा नहीं सुन ली। रास्ता में मना कैले कि परीक्षा लेवे न जा, बात मनली ना, आईबो कैली तो झूठ। को गलती हो गई? को गलती? परमात्मा एगो बर्दाश्त कर लेंगे, दो बर्दाश्त करेंगे, तीन तीन बर्दाश्त करेंगे, ऐसा होगा? शंकर जी कहले लो अजूल लिखल रोल का यह तनु भेंट सती अब नाही। यह तनु भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प की न मन माही। राम से राम से राम जय जय राम 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 से राम से राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। शंकर भगवान खोलहर कहले अबले तब पर्दा में रहल यह तनु भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन संकल्प कहले ना तू हमार मेहरारू और ना तुहार हम मरद। तन एक बात रोवा पच बताए, रोवा पच के मालिक ऋषिया जत के जान पाई कि ऋषिया बने के नहीं बुझ पाई। हई पाल्टी ऋषिया जत हई पाल्टी रसोईया परोसत में चिन्हा जाइल। तन बनल बाजार रही ना तो फर्स्ट क्लास पानी ले आके धरी है, मूली काट के धरी है, अचारे के मरचा भड़ुआ मरचा दे, नींबू के अचार दे, मार कुछ पुछ किए हैं। अब बिगड़ल बाजार बता है तरता का हमारा और है ये जुबा ले, ले उनसे कहीं है रो खाई खाए कही है ये जुबा है जकर मन करते खाई चाहे नहीं खाई। ओकर बाद फिर पूछे ना आई। एक बेर मर्दे मेहरारू में रिसा खिसी भइल है तो मौगी मर्दा से नहीं बोले बोल चल नहीं रहे। आ तीन महीना बीत गई है जाड़ा जो आवता वो जाड़ा के मौसम रहल। मर्दा खा के निकलल तो इतना चैली बार के तापत रहे आगी तले तो मौगियो खा के निकल तो दोनों तापत रहे लेकिन बोल चल नहीं रहे। उ ताकत यह हे तड़े आई ताकत रहे अगिया दोनों तापत रहे सो हे तारे ओकर मुंह बहन ने ओकर मुंह तापत रहे सो दून। तले एगो चुनी छटक के मर्दा के धोती सुन गए लागो। एगो लुतु ही छटक के एकर धोती सुन गए लागो। हई बड़ा चालू जाती है जन आगे बैठल बा हे तर तिरछे तकलस कॉलेज बोल चाल है ने के कैसे कहीं रे रोज रहता कॉलेज मल छौ सब बोलत तनिया भले धो ले। अब धुआं जब फेंके लागो तो मौगी कल से मलछवा से बोलब तो नहीं चल तनिया भोजू खड़ा होके गोल मेहरारू के बुद्धि जानते बानी भोजू जाके खड़ा होके कहल केहू का धोती जरे हमारा का ले देगा केहू का धोती जरे हमारा का ले देगा केहू का धोती जर धोतिया मर्दे पहिर ले रहे उनसे बोले गोल बोलस यू तो कहल से केहू का धोती जरे आ धोतिया यह पहिर ले मैंने भाषा में बुझा दिलस। दौड़ के जाके मेहरारू के गोड़े पर गिर गई है कहले ले आज से कान पकड़ो तनी कबो ऋषि आई बिना। कौन पार्टी बोलल? मर्द वाली पार्टी। मर्द वाली पार्टी बड़ी थेथर पार्टी। औरत कोनो नाराजो हो जाई तो बोली ना ऊ ना बोली बोली है तो मर्दे बोली है। मेहरारू कोनो ऋषि आ जाती है घर में तो तीन बार यहाँ कहे कहो बजरिया से काय आई वो बोली ना काय आई काहे ना बोल तारू काय आई। तीसरा बेरे कहबो करी हमारा हम ही जानता नहीं काय आई तू जाना तू बुझ। अब्बा किने मन करी सौदा भाषा बड़ा अब का कही है। स्त्री पुरुष का भाषा तो उतना बढ़िया होना चाहिए कि कभी जीवन में बिगाड़ ना हो। देखिए सब देव देव हैं हमारे शंकर जी महादेव हैं। जितना मर्द यहां में है परसिया के लोग सुन लें केहू के सामने इनाई लिखाइल बा कि राकेश देव लाल बचन देव सुदामा देव बबलू देव गुड्डू देव मुन्ना देव चाहे बीरेंद्र देव कहीं लिखाइल बा
देव नाय। आ तो लोग सामने मंजू देवी, गुड़िया देवी, कुसुम देवी, अनारी देवी, जिलेबा देवी, डिंपल देवी, अरे सब देवी है। ये देवियां बैठी हैं लक्ष्मी स्वरूपा। एक बात और कहेंगे हम, महिलाओं को कभी अपने मुंह से गाली मत दो। पुरुष लोगों से निवेदन करेंगे, अपनी अर्धांगिनी को, चाहे अपनी मां को, परिवार के लोगों को, महिलाओं को अपने मुंह से कभी गाली मत दो। और महिला का इज्जत जिस घर में होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, धन की बरकत होगी। जौने घर में मेहरारू रोवतिया, मार खातिया, माई रोवतिया, कुटुक कुटुक कल जाता, उस घर का बरकत कभी नहीं होगा। थोड़ा ताली बजान लो। बाप हो बाप, यो बतिया नहीं सुने लायक बा। कहो तो लग बाउर कहने के नीम तनिमनो बनौले प्रताव ताली नहीं बाजी। परिवार में औरतों का दर्जा ऊंचा है। पुरुष कितना हूं कमा लें, कितना हूं संपत्ति बन लें, बना लें, कर लें, लेकिन व्यवस्था तो सब आप ही लोगों का है। और महिला चाहे तो घर को राज रजा देगी, और महिला अगर बिगड़ जाए ना तो घर को बर्बाद करने में देरी नहीं लगेगा बाबू। हम निवेदन करेंगे आप सभी लोगों से कि परिवार को सजाने का प्रयास करो। आप बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी कहले कि यह तनु भेंट सती अब नाही, अशिव संकल्प कीन मन। शंकर जी नाराज हो गए, लेकिन लेके जब सती के गईले तक कैलाश पर्वत पर आसन लगा ले। सती के पहली औरत के कथा चलता, आज जब आसन लगा के बैठले तो 87,000 बरस तक लेना, 87,000 बरस भोलेनाथ तक लेना। 87,000 बरस के बाद शंकर जी तकले जगले। तुलसी बाबा लिखली, राम नाम जब सुमिरन लागे, राम नाम जब सुमिरन लागे, राम नाम जब सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। राम जय राम जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम। बोले कहले देवी अब बगल में बैठा। माता सती कहली कि स्वामी आप नाराज बानी का। शंकर जी कहली नाराज ना बानी, ना बैठ। तो रामे जी के कथा, रामे जी के प्रवचन सती के सुनावे लगले। आ वही टाइम में, वही समय में ए बाबू प्रजापति राजा दक्ष यज्ञ करत अड़े। कथा सीरियल आप रामायण को सुन रहे हैं। प्रजापति राजा दक्ष यज्ञ करत अड़े, आ सती के सजी बहिन बहनोई देवता लोग आकाश मार्ग से जाता रहे। सती कली स्वामी लोग कहां जाता रहे। शंकर जी कहे तोरा नैहर में जग होता। सती कली हमारी नैहर में जग होता तो न्योता हमार बोलाहट ना बका। कहले हमारी ये बैर से तुहार पिताजी न्योता ना देले बैर। सती कली कौन बैर भइल बा। शंकर जी कहे तोरा नैहर गई रही, तोरा नैहर गईली जहिया ब्रह्मा जी सभा के अध्यक्ष बनौले, उस सभा में हम गईली, सब लोग तोहरा पिता के प्रणाम कईल, हम मुड़ी ना झुकौली, ओकरा कारण नाराज बने हमारी घर नेवता ना आयल बा। सती कहली जब नेवता ना आयल बा तो केहू जाई कि ना। शंकर जी कहली कि जब नेवता ना आयल बा तो हम तो यह कह केहू ना जाई। अच्छा ये शंकर जी कहले तो सती के मानल चाहत रहे कि ना, अगर मर्द नाराज बागी ना, हम ससुरारी हमरे केहू ना जाई तब मेहरारू का मान जाएगी जाएंगे ना। लेकिन ओहू युग में या एहू युग में मेहरारू कब मान जाएगी ना, इहरे ना जाए ना जाई है, जब ले पूरा बंडल हो ना जा नैहर से ससुराल मनी है। कथा बड़ा जोरदार है और समझने का प्रयास करोगे कथा को। शंकर जी बार बार मना कहले कि मत जा,
सती कली रौरा जाई भी चाहे ना जाई हम तो नैयर सती बिना बोलावल गईली। अच्छा एक बात बताई के घर तिलक पर जा बारात आवे बियाह रहो आ बिना बोलावले ओकरा घर जाई तरह इज्जत होई का जी के घर मुड़न होके बरही होके बिना बोलावल जाई इज्जत होई। आ माई से भेंट कर जाए बतो तब ना इज्जत होई नहीं होई होई। गुरु के घर जाए तब इज्जत ना होई बिना बोलावल। भगवान की कथा में आओगे तब इज्जत ना होई। तीन जगह बिना बुलाना भी जाना चाहिए कहां अगर भगवान की कहीं कथा हो कोई ना कहा हो तो चल करके प्रेम से पहले ही कथा में बैठ जाओ। कहीं धर्म का काम हो रहा है नैहर में भी जाना हो देखिए अगर ईर्खा में सबको बुलाया गया है आपको नहीं बुलाया गया है तो कतई वहां जाने का नाम मत लो। अगर सबको नहीं बुलाया गया है तो आप बिना बुलाए जाओगे ना इज्जत आपका हो जाएगा अकेले। लेकिन चार लोग बुलाए जाएं और एक लोग ना बुलाए जाएं तब तो कदर नहीं होगा भाई। सती कली नैहर जाए हम शंकर जी कहले कान खोल के सुन लो जेबू जरूर लेकिन तुम्हारी इज्जत होई ना। सती नैहर गईली सजी बहनिया दौड़ल बड़ी अरे राजा दच के कई बेटी है सजी बहन दौड़ल बड़ी। पहली बहन गली कहिए दीदी तोरे घर नेवता गोइल ल सती कली नेवता तो नहीं गोइल ल तो दूसरी बहन कली बिना नेवता के का लबदे चल अलू हमारा तो चिट्ठी गोइल ल अभी बताई मजाक ओकर उड़ावल जाता कि ना। अरे जरा जुड़ल बा तेरा सजी बा जरा नहीं जुड़ल बा उहे बा। तीसरी बहन कली अच्छा ही बताओ घरवा बनल की अब मड़ैये में रह लोग सती कली हमारा भाग में मड़ैये बा वही में रही ले। चौथा बहन कली कपड़ा लता पहरे ला शंकर जी की उघारे रहे ले सती कली हमरा उहा के उघारे रही ले बाघंबर लपेट के रही ले। पांचवा जने कली भात रोटी बने लगी अब वो भंगिये पीसे लू सती कली अब तो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बताई गरीबी अमीरी अपने हाथ में बा आज उरौरा गांव में जे गरीब बा वो अमीर होई कि ना। वीरेंद्र बाबा बोल रहे अमीर होगा वो एक ने एक दिन होगा चाहे बेटा के चलते हो जाए पति के चलते हो जाए किसी के भगवान की कृपा अगर हो जाएगी तो गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। आज ये राजा बाबू गरीब होई कि ना ना होई। पहले जो राजा थे गरीब हुए कि नहीं हुए नहीं हुए हैं। जेकरा बड़ा संपत्ति लोकर बिका गोल आ जेकरा कुछ ना ले मारुति में उड़ता बोलो शंकर भगवान की जय। कथा बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी नहीं मल्ली बिना बोलावल गली कहली अब बहिन से ना बतियाए। एगो प्रेम से भाव से महतारी मिलल माई। अच्छा दुनिया में रुआ बड़ा घूमल बनी अपनी बेटी के बुराई को वो महतारियों करी कजी बेटी के बुराई कबो माई करी बेटी के निंदा कबो माई करी आ माई के दाह कबो केहू पुराई। ए तर सुन माई के चर्चा आयल बा तो दू मिनट बता दे रौरा। माई के पेटे में बच्चा बा डिलीवरी बा बच्चा होके वाला बा अल्लाद फान के लोग लोग गए देवरिया सदर में डॉक्टर कहता दू में एक के बची या तो लड़का बची नहीं तो माई तो ओकरा ससुरा वाला के बचाओ कहीं है ससुरो को ही पतो ही बचा दी है डॉक्टर साहब सासुओ को ही पतो ही बचा दी मर्दो कही हमार मेहरारू बच जा देवरो कही भौजाई बच जा लेकिन जोने माई के पेटे में लड़का बा उसे पूछल जागी या तो तू बचबू अने तो तोरे पेटे में के लड़का उ माई के बचावे कही सही बोलिएगा। माई के कही बचावे के अपने लड़का के कही डॉक्टर साहब हमारा बाबू के बचा ली हमारी बेटा के बचा ली सरकार हम नाही और नाही नाही और हम ना तो ये लोग ही कही कि वो माई बेटा पैदा करके मरल बा आ बाबू हमार मर जा आज के बाद बच्चा ना होके तो नैहर ससुरा लोग बझिनिया कही के हमार हमरे मुंह करीखा पोत दी। ताली बजाओ ना बरिया रे बेटा के बचावे खातिर माई अपन प्राण दे सकेले नहीं दे दी नहीं दे दी बेटा के बचावे खातिर माई प्राण दे दी। महतारी जब मिलल बड़ी सती के तकवारी में पकड़ के रोवे लगली। सती के माई कहली बेटी
रोवा मत, पहले चलो पानी होनी कली पानी तो बहनिए पिया दे अली से। पांच गो बहन बाड़ी, चार गो धनी बाड़ी, वो गरीब आ ना तो गरीब वाली के कोनो पूछबो नहीं करी, हलो लगा के फोनवा नहीं करी। जमाना टनाटन ना बाजी, भरल बाजार में सब पूछे वाला बा। रौरा कहीं जाके नैहर में देख ले, पांच गो रिश्तेदार आये बड़े ना, आ तनिके बाउर साड़ी पहर के जाई, देखी रौरू जी इज्जत होता। तुरंत कहीं करे तोरा हरदम जरले रहलक, कुछ तोरा बा ना है, हैया पहर के ले। ओकरी आंखी में आंसू आई कि ना आई? कभी किसी को ताना मत मारो, भगवान दिए हैं तो प्राप्त है, अगर नहीं परमात्मा चाहेंगे तो ही बर्बाद है महाराज। और ताना मारना तो इतना बुरा होता है कि आप दर दर के ठोकर खाओगे। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। बुरा करने का प्रयास मत करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा बेजू आई बा, सती कली माई अब कुछ ना पूछे बा, ई बताऊ हमरा पिताजी कहा बरे। सती के महतारी कली बेटी सबसे नाराज तो तोर पिते बड़े, सबसे पिता नाराज। तुलसी बाबा लिखले बनी, को नहीं ऐसा जग को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाही काही मद नाही। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके पास धन हो जाए, रुपया हो जाए, खजाना हो जाए और उसके पास घमंड ना हो जाए। महाराज सती गई बड़ी अपना जगशाला में जहां जग होत रहे, आज जगशाला में गली तो तुलसी बाबा लिखले, कहीं न दीख शंकर कर भागा, शंकर जी के भाग ना लौकल। आज जब भाग ना लौकल, सती एक बेर जाके कहली पिताजी प्रणाम। राजा दस कले खबरदार, एकरे बाद पिता मत कहियो। सती कली काहे रउरा हमके पैदा कले में हमार पिता ना है। राजा दस कहने बिना बोलावल आयल बड़ू, पैर उठावा अपनी घरे चल जा, तोरी घर ने होता गल। अच्छा बाप या महतारी बेटी के दूर दूरावे लगे तो घर बोनी की बिगड़ जाए, मनल बिगड़ल तो छोड़ दी, घर बर्बाद हो जाएगा। जहां बेटियों को दूर दूराया जाता है, ठुकराया जाता है, कुल किया जाता है, उनका घर आग लगता है, तुरंत जल जाता है। महाराज बेटियों पर कभी ऐसा ना करो। यहां जितनी माताएं बहने बैठी हैं, बहुत लोग कहला ये वीरेंद्र बाबा हमारा तो पांच को बेटी बाड़ी, सात को बेटी बाड़ी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, दस को बेटी पैदा हो जा तब बेटी खतर कबो घबड़ी हो मौत, तोरे मरियो गैला के बाद बेटी का बियाह हो जाए। वो बेटी के बाप ना रहे तो वो बियाह हो जाए। मामा करिए, चाचा करिए, गांव के लोग चंदा लगा के बेटी के बियाह कह दी। आ दस गो बेटा पैदा हो जाए तो सबके बियाह हो ही हो, चार जना रड़ू है घूमी लो। गलती कहता नहीं, कहीं धरती पर बता सके नहीं लड़की कुंवर बा आज तक ले। अब बेटा बेटा बेटो ने कहा कुंवर कुंवरे कुंवरे मर गए फर पर ना बिया हुए ना भाई हो बिया। लड़की कभी कुंवारी नहीं रहेगी, लड़के तो कुंवारा रहेंगे महाराज। आज वर्तमान में लड़कियों का पोजीशन क्या है? लड़की डॉक्टर बन रही है, मास्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, प्रोफेसर बन रही है, सिपाही दरोगा बन रही है, मंत्री ब्लॉक प्रमुख, सारा व्यवस्था लड़कियों का है। और लड़का क्या करता ना, बार खाली छंटवावतना है पर ले, अब मोबाइल लेके हलो हलो सड़कों पर होता। पढ़ले पर ध्यान दो ना भाई, या जितने नौजवान बच्चे हैं उनसे मैं कह रहा हूं, पढ़ाई लेकर के बढ़िया पोजीशन में डिग्री में आओ। पचास गो बर्द खुआ दुआरे पर आई है, अगोरे के नहीं परी हमारे घर बियाह के हुआ उतना बा। लड़का नौकरी पाई तो बर्देखोन के लाइन लग जाएगी ना, ना लग जाई। बेटिन के बियाह खोज के करे के बा, और तोहरे दुआरे पर के आई तब हर दी पोताई, नहीं बढ़िया है? सुंदर विचार से लड़कों को रहना चाहिए। यहाँ जितने नौजवान बाबू लोग हैं, आपसे बार बार हम कहेंगे, पढ़ने के चक्कर में रहो, फालतू मोबाइल के चक्कर में नहीं, दुनिया देश के चक्कर में नहीं, घूमने के चक्कर में नहीं, अगर लेना है तो नौकरी के चक्कर में पढ़ो। शादी तो कुत्ते अरे कुकुर बिलार के बियाह हो जाता, लड़कन के बियाह ना हुई।
सबके शादी हो जाएगी, लेकिन नौकरी के लिए प्रयास करो कि मेरी नौकरी हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा एजू अलबा गौर से सुना। जब सती अपना पिताजी के यहां गईली या जब जगशाला में गोड़ लगली, राजा दस कले तुरंत पहले चल जा। सती कली कहां चल जाई, कले अपना शंकर जी के लग चल जा। यही कमारे तो न्योता ना दिहली, न वही है ना तू अबू, तो अब ना कहले तू आ गई लू। सती कली पिताजी हमरा और बेटी है, प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनुपाई, हमार नाम सती रौरा रख ले बनी। शंकर जी से ब्याह रौरा कैले बनी, राजा दस कले हमार कैसन बेटी या कैसन दामाद, ये बेटी दामाद बाबू के बोलोले बनी हम। सती कली बोलोले बनी तो कान खोल के सुन ली आखिरी लाइन, रौरा जौना जग के करतनी, जौने जग में हमारा पति के अपमान होता, सिंदूर के अपमान होता, ये जग के होके ना दे ना। राजा दस कले का करबू, सती कली यही जग में जर के मरब, यही जग में मरब। जगशाला के बगल में सती हथवा जोर के विष्णु भगवान से, कली की भगवान अब तो हम मरे जाता नहीं, लेकिन एक निवेदन बार हुआ से कहले का, ए मर गईला के बाद जब जन्म लेई तब फिर भोलेनाथ के शरण में भक्ति प्रदान होखो। सती मरत अड़ी देखी, गौर से सुनिएगा। मरती सती हरी सनी बर मांगा, मरत सती हरी सनी बर मांगा, मरत सती हरी सनी बर मांगा, जन्म जन्म पद शिवयनु रागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। मरत सती हरिशन बर मांगा, आ जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती मर गईली, मर गईला के बाद शंकर जी अपन जटा धरती पर पटकल है। आ सबसे बड़ा बदमाश गण वीरभद्री, वीरभद्र के भेजने जाके जो तमाशा खड़ा कर दे, जितना लोग बा सबके मार के गिरा दे। वीरभद्र गईल बने सबके मार के गिरा दे बाबू। शंकर जी अपन त्रिशूल छोड़ ले, अब प्रजापति राजा दस के गर्दन कट गई। तनी एक बात और बताए, भगवान के अभिमान भावेला अगि प्रेम, भगवान को प्रेम पसंद है कि घमंड, नहीं बोलोगे? इतनी बड़ी कथा हो रही है और आप अपना प्रेम लेकर न आओ तो घमंड से भगवान रिझेंगे, भगवान नहीं खुश होंगे। पहले प्रेम बना करके आओ कि कथा में हम चल रहे हैं, और भी हल्की कथा नहीं है, आज पहला दिन है करना। आप सती मर गई, आ शंकर भगवान के त्रिशूल गई, प्रजापति राजा दस के गर्दन कट गई, भोलेनाथ गई बनी, आ सती के मरल लाश अपना गटई में बांध ले ले। ये रामचरितमानस में नहीं है कथा, तो रामायण का मैं बोल रहा हूं, लेकिन शिवपुराण पढ़िएगा, शिवपुराण। सती के मरल लाश गटई में बांध ले ले। हमनी घरे मेहरारू मरी तो के जरावल जाई, माटी में दफनावल जाई कि गटई में बांधल जाई, लेकिन शंकर भगवान गटई में बांध के लेके चल ले। अब विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र उठा ले ले, सुदर्शन चक्र उठा के एक बेर नचा के फेंक ले, 51 गो टुकड़ा धरती पर कट के गिर गई। का गिरल? सती के मरल लाश। आ जब कट के गिर के मरल बड़ी, मर गईला के बाद जब लाश टुकड़ा भई बा, तो ये सिद्ध पीठ दुर्गा का अवतार माना गया है। बोल दो दुर्गा महारानी की। ध्यान से सुनते जाइएगा कथा को, केकर अवतार मान गई? सिद्ध पीठ दुर्गा, दुर्गा का अवतार माना गया। देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा, यहां सारे विद्वान बैठे हैं,
पढ़े लिखे लोगों के सामने कथा चल रही है। सिद्ध पीठ दुर्गा का अवतार भइल, लेकिन शंकर जी जौन सती के लाश लेके जात रहले आ जब कट गए तो शंकर जी अखिया बंद कर ले। जब से सती जाई तनु त्यागा आ तब से शिव मन भयऊ बिरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले लेले, कहले जब असली मेहरारू मर गई तो नकली समाज देख के का करब। शंकर जी आंख बंद कर ले। तुलसी बाबा लिखल है, जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयभु बिरागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल दिया ज्योति जगदम्बे मैया की जय। जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयऊ बिरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले ले, आ जब बैराग ले ले तो देखी अब जो लाइन बदल गए। तेही कारण ही मगिरी गृह जाई आ जन्मी पार्वती तनु पाई। कथा समझ में आता कि ना? नहीं आता, नहीं आता हो? हे लइकन के तना ही समझ में आई, दिमाग के कुल का दूसरा और बा। सती मर गली तो करा बात का नाव धराइल बा, जन्म जब लेली तो का नाव। तेही कारण ही मैं गिरी गृह जाई पर्वत राज के बेटी बन के एली। पार्वती नाम रखल गई और राजा हिमांचल के बेटी कहल गई। तेही कारण ही मैं गिरी गृह जाई आ जन्मी पार्वती तनु, पार्वती नाम धरा गई। अब पार्वती नाम धराइल गल जब शंकर जी अखिया मुनली तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गई। तारका सारा देवता लोग के भूजे तड़पावे लागल, सारा लोग के मारे लागल। सारा देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कह के ब्रह्मा जी के दरबार में गल। सब ब्रह्मा जी पूछली आप लोग कहाँ आइल वाली। देवता लोग कहले सरकार ए सती जागे नैहर में मर गईली, अब बउरहू आंख मुल ले बड़े। ये पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार बा, सब देवता लोग के भूजाता मुंह आवाता। ब्रह्मा जी कहले को कार कर लोगे, जाके शंकर जी के ताकावा लोगन। शंकर जी ताको तो पार्वती से शादी होई, अब पार्वती से शादी होई तो कार्तिके के जन्म होई, अ कार्तिके के हाथ से तारका का वध लिखल बा। देवता लोग कहले दादा ई बउरहू के जे तकाई ते जी की मोरी। सब आदमी जिये लगे मरेला ना बोलो, तुरंत गईले। शंकर जी के को गो नेत्र हो? तीन गो नेत्र हो। सारा देवता लोग कांपे लगले सरकार तकाई के। ए यानी देवता कहले कि सरकार हम लोग के बचब जाना, शंकर जी ताकब तो सजी लाइट हमने के ऊपर आई। ब्रह्मा जी कहले कामदेव को लग जा लोगन। रामायण की कथा आप लोग सुन रहे हैं रामचरितमानस, और सीरियल मैं बोलते जा रहा हूं। कामदेव को लग जा लोगन, आ कामदेव अगर चाह दे तो शंकर जी ताक। आ जब शंकर जी ताके, ए शंकर जी जब ताके तब पार्वती जंगल में तपस्या कर तड़ी, उनका साथे भोलेनाथ के बियाह हो जाई। आ जब शादी होई तो कार्तिके के जन्म होई, आ कार्तिके के हाथ से तारका के बदली खलबा। देवता लोग कहले तो बड़ा गड़बड़ी बा, शंकर जी के तकावल बड़ा मुश्किल बा, लेकिन हिम्मत बांधल लोग। आ गोइल लोग कामदेव के लोग, कामदेव से कहल लोग कामदेव चल के भोलेनाथ के तका द। कामदेव कहले हम ना जाए, कहले काहे। कामदेव कहले तकौले के पहले हम आई ताक दे, हम ना जाए चढ़ के। आई है काम के बाण तान के, एक बाण शंकर जी के छाती पर मरले। आ जब शंकर जी के छाती पर बाण लगल तो शंकर जी तुरंत तकल है।
त्रिनेत्र शंकर जी के तीनू लाइट एक बेर पड़ल आ कामदेव जरी के कामदेव जरी के मर गई ले। आ कामदेव जब जरी के मर गई ले तो शंकर जी देवता लोग से पूछल की आप लोग कहाँ आई बनी। देवता लोग कहले तनी बारात करे के मन कैले बा। शंकर जी कहले केकर बियाह बा। देवता लोग कहले केकर बियाह नहीं बा, राउर लोगन चरचराइल बा। शंकर जी कहले हमरा ऐसा दुल्हा के कौन लड़की पसंद करी। देवता लोग कहले जंगल में तपस्या होता अरे वह तैयारी बनाई। लेकिन शंकर जी कहले इतर तो बियाह हो ही ना। एगो बात आप लोग बताई, इतना लोग बैठल बा, शंकर जी के बियाहे का अगुआ के हो? अगुआ नहीं बोलो, नारद जी के मन के बियाह करा बोल। शंकर भगवान के बियाह के अगुआ हमारे राम जी हैं। पढ़िएगा रामायण, नारद भगवान के मान के बाद शंकर जी मानो, शंकर जी के विवाह की अगुआ हमारे राम जी हैं। राम जी गैल बनी शंकर भगवान के लोग, शंकर जी के प्रणाम पाती भइल और शंकर जी पूछली आप कहाँ। राम जी कहली सरकार रौरा लगाइल बनी एगो निवेदन लेके। कहले का? अतरौरा खातिर जंगल में तपस्या हो तरौरा बियाहे के राजी हो जाए। शंकर जी कहले रौरा यह कार्य करेली हाँ, रौरे खातिर त मेहरारू से छूटा छूटी हो गई आ यहाँ तकले हो गल कि मेहरारू मरियो गई। शंकर जी से सती से छूटा छूटी के करे खातिर भइल? नहीं बोलो, कथवा सुनावे के कर गए ले, परीक्षा लेवे के कर गए ली? के कर? राम जी के आइली तो झूठ के बोल ली। राम जी खातिर तीन गो गलती कैली, आज रामे जी अगुआ बन के बियाह करावे जाता रहे। कले सरकार बियाह करी, शंकर जी कले इत शोभा ना देता, रौरे बियाह लगावे आयल बनी कि काटे आयल बनी। है भगवान कहली कि हमरा जोड़ले में आनंद है। भगवान जोड़ना जानते हैं कि तोड़ना? नहीं बोलोगे, परमात्मा जोड़ने का काम जानते हैं, तोड़ने का नहीं। लेकिन विवाह के पहले बीच में एक मिनट ब्रेक लेंगे, एक मिनट ब्रेक। आज कथा केकरा केकरा बढ़िया लगा था तन हाथ उठाए, तन उठा लीजिएगा, ताली बजाओ बरिया रे। अब कथा ये जगह पर आई बा, शंकर भगवान कहली कि आप लोग कहा। राम जी कहले कि सरकार बियाह करी। शंकर जी कहली बियाह तो ये तरह ना हुई, पहले हमरा जांचे परी कि लड़की तैयार बा कि ना, शादी करब। जब रौरा कहतनी तो रौरा कहला पर बियाह कर। लेकिन शंकर जी कहले एगो शर्त बा। राम जी कहले कौन शर्त? कहले अपने सप्तऋषि लोग के भेजब, पता लगावे कि लड़की राजी बा कि ना। आज रौरा ये बताई कि माई बाप के चलता कि बेटी के? बेटी जन कही बियाह तौन हो कि माई बाप? नहीं बोलो, माई बाप है। तीनिये को काल बनल, भूत काल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। अब एगो नया चलल बा मीस काल। काजन रौरे यहां मीस काल बा कि ना? माई बाप जनता ने कहा बियाह हो गो इन्हे ना ने बहनी कुल बा। अब नाई बा धीरे धीरे लाइन पकड़ा था, हेतौते लड़का का मोबाइल थमाउल कर लोग। हमारा तो बुझा तो जौन बूढ़ा बूढ़ो ना सीखल वालो है कुल के दे दा मोबाइल चलाओ के देखा कतर चलाओ तड़ी सो न कतर चलाओ तड़ी सो। परिवार को बिगाड़ने का एक बात समझा दे आपको, अगर मोबाइल बेटियों को चाहे लड़कों को आप दे रहे हो और परिवार को चाहते हो मेरा परिवार बढ़िया हो, तो इन नंबरों को जरूर चेक किया करो कि इस मोबाइल पर कितनी घंटियां आई हैं और किससे बात हो रही है। माता पिता जितने यहां बैठे हैं मैं सबसे कह रहा हूं, इस नंबर को जरूर जांचो कि मेरा लड़का किससे बात करता है, मेरी लड़की किससे बात करती है, आखिर ये कारण क्या है कि मोबाइल परमानेंट बिजी रहता चलता है। नहीं पता चल जाएगा, एकदम छोड़ देंगे कि बेटा जैसे मन करे करो, लड़की मेरी जैसी पढ़ रही है क्वालिफाइड होगी देवरिया जाती है कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा सोच करके आप मत करो, बिगाड़ने का एक ही जरिया जो आप छूट दे देते हो
जो ही कह रही लड़की सो ही करो और जो ही लड़का कहता वही करो। अब तो हमारा तो बुझाता ही मोबाइल से आदमी मर सकेला, मोबाइल से जे मोबाइल के रातों दिन दीवाना बना, 5 दिन ओकर मोबाइल छोड़ा जा, 5 दिन मोबाइल छोड़ा जा मरेगी जी, नहीं बोलेंगे नहीं बोलो। ए गोसे पर चाह जोर जाता लेकिन काने पर सटल बा, आई दादा चाहवत गिर गए, दाल सुनगा था वही में पछताता, आई दादा दाल तो जोर गल लेकिन मोबाइल नहीं हटो, है तोरी मोबाइल, मोबाइल के चक्कर में बर्बाद मत हो भाई। हम निवेदन करेंगे यहां जितने लोग हैं अपने परिवार को, अगर देखिए लड़कियों को बच्चों को छोटे बच्चों को लड़की हो या लड़का हो परिवार में बिगाड़ने का किसका हाथ होता है, माता पिता का कि गांव के लोगों का? माता पिता। परिवार के बेटे बेटियों को और बेटों को ये बर्बाद करने में हाथ किसका है? माता पिता का। हम दूसरे को दोष नहीं देंगे, अगर माता पिता अच्छे हैं तो लड़की कतई अच्छी होगी, माता पिता अच्छे हैं तो लड़का कतई होगा, क्योंकि संस्कार विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूल में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता है, किसी कॉलेज में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता है, संस्कार तो महाराज माता पिता के गोद में और परिवार में पढ़ाया जाता है। संस्कार पढ़ाने का प्रयास करो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं आज से ही पढ़ाओगे ना आगे चल करके बढ़िया हो जाएंगे, पहले ही से जब छूट दे दिया जाएगा तो भाई जैसे नहीं तैसे रहो भाई, क्या बात है, बोलो शंकर भगवान की जय। ए जगह पर कथा आई बा, सप्तऋषि लोग के भोलेनाथ भेजल है कि जाके पहले बियाह काटा लोग, अगर बियाह कट जाई लेकिन सप्तऋषि लोग उनका पहले कथा बीच में देखी हम छोड़त रही हूं, हमारा ही बेहतर लगी आगे बोल दी लेकिन इसको बोलना जरूरी है। जब कामदेव जर के मर गए हैं तब कामदेव के मेहरारू के नाम हो रहती, का नाम हो? कामदेव जो मर गए हैं जिन बाण मर ले तब मर गए हैं तो उनका मेहरारू के नाम रती है, रती गली तो कही हे भोलेनाथ सबके मांगी में सिंदूर भरी ले हमके विधवा बना दे ली, जो ने लड़की के शादी नहीं होता उकर शादी कराई ले, जो ने के बेटा ना बाओ के बेटा दे ले, हमार सजी बरल बाजार उजार दे ली। शंकर भगवान कहली कि हम ना मर ली, तोर पति बाण मरले बा देख छाती पर बाण लगल बा, शंकर जी देखावले कि देख बाण लगल बा। भगवान को तारनहार कहा गया है कि मारनहार? तारनहार, परमात्मा तारते हैं मारते नहीं है, भगवान कभी भी तारते हैं, जिनको जिनको बाण परमात्मा ने मारा उनको तार दिया महाराज, परमात्मा तारते हैं मारते नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करना कि वीरेंद्र बोल के आ गए। अब देखिए कथा एजू आई बा, रति कली की कैसे रह, शंकर जी कहले तोरा पति के जिंदा कर दी कली की ना, कहले तो के संपत्ति चाहिए कली की ना, कहले बैकुंठ जेबे कली की ना, कहले तब रति कली भगवान कोनो वरदान हमके दे दी। शंकर जी कहले कि जब जदुबंश लीने अवतारा, जदुबंश द्वापर में भगवान कृष्ण के अवतार हुई, ध्यान से सुनिएगा, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, अ कन्हैया के बेटा के नाम प्रद्युम्न, कन्हैया के पुत्र का नाम क्या होगा? प्रद्युम्न। आ अगला जन्म में द्वापर में तोर बिया प्रद्युम्न से हुई। शंकर जी कहले कि अगला जन्म में द्वापर में, त्रेता की कथा है और मानस से रामचरितमानस से मैं बोल रहा हूं, द्वापर में भगवान कृष्ण के अवतार हुई, उनका बेटा के नाम प्रद्युम्न और तोर बियाह अगला द्वापर में तोर बियाह कन्हैया के पतो ही बनवे अब प्रद्युम्न की अर्धांगनी बनवे। तुलसी बाबा लिखल है कृष्ण तनय होई हनी पति तोरा, कृष्ण तनय होई हनी पति तोरा,
जनन हो अन्यथा मोरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। कृष्ण तनय होई हन पति तोरा अब बचनन होई अन्यथा। इतना लोग हमने के आयल बनी जा पंडाल में अगला जन्म में केहू का मालूम बागी कौने घर में जाई जाई। सुंदर कर्म कल जाई तो कौन राजा के यहाँ पैदा होकल जाएगी ना ना होकल जाई। बड़े परिवार में अच्छी सोसाइटी में सुंदर माता पिता होंगे बढ़िया परिवार में जन्म होगा। और बुरा कर्म करने के बाद कोई जानवर की जोनी में जाएगा, कोई कुत्ता बनेगा, नेवल बनेगा, सियार बनेगा, हाथी घोड़ा बाघ बानर, जानवर की जोनी में तो चले ही जाओगे। लेकिन ये कथा जानवर की जोनी में जाने के लिए नहीं हो रही है। ऐसा कर्म किया जाए कि मरने के बाद फिर मनुष्य हम लोग बने। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान शंकर जी कहें कि कृष्ण तनय होई हन पति तोरा अब बचन होई अन्यथा मोरा। आज वरदान मैं दे रहा हूं कि अगले जन्म में तुम्हारे पति प्रद्युम्न होंगे और तुम्हारे ससुर भगवान कृष्ण होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा आज जो प्रवचन आप लोग सुने हैं जौनी जगह पर कथा रुकल बा। कल कथा यही जू से प्रारंभ हुई। भगवान शंकर जी के तिलक बरात विवाह बड़ी जोरदार कथा कल के बा। अकाल ब्याह कैसे होई? पहला जन्म में तो सती से भइल ल त सजी पोत पात के धौ दिहली। लेकिन अब ब्याह कैसे होई? पार्वती से शादी होगी। अब आप सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है।